कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ का नाम से हम पुकारते हैं। और यह जो व्रत रखा होता है पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, चौथ माता का, ये संकटागी होती है जिसके अधिष्ठा देवता गणपति देव हैं। ऐसी प्राचीन कथा आती है कि सात भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था वीरावाली। सातों भाई उसको बहुत ही प्यार करते थे, अपनी आंखों में बिठा के पलकों में रखते थे, जरा सा भी कुछ हो जाता था तो वो एकदम सब कुछ बाजार से ले आते थे, चाहे दवा दारू जो भी कुछ होता था। एक बारी करवा चौथ का व्रत आया क्योंकि शादी हो गई थी उसकी, सारा दिन निर्जल रह करके जब शाम का वक्त आया तो वो भूख प्यास से बेहोश हो गई, जिससे उनके भाइयों को अपनी बहन की जो कि उनकी प्रिय बहन थी वीरा वाली उसका नाम था, उसको चिंता हो गई उनके भाइयों को, और उन्होंने पेड़ के पीछे आग जलाकर नकली चंद्रमा का रूप दे दिया, जिससे उन्होंने कहा छींटे मारे पानी पे वीरा वाली के मुंह पे और कहा देखो देखो बहना चंद्रमा निकल आया है, अब तुम जल्दी से भोजन कर लो। तब वो देखती है कि चंद्रमा वास्तव में निकल आया है और वो जैसे ही पहला निवाला लेती है तो उसमें बहुत बड़ा बाल आ जाता है, वो बाल किसी और का नहीं चौथ माता का ही होता है क्योंकि भगवान भावना के भूखे होते हैं, इससे वो भोजन छोड़ देती है। दूसरा निवाला जब लेती है तो उसके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको कष्ट हो जाता है उसी दिन उसी पल। इसी प्रकार वो सारा कुछ अन्न धन सब कुछ छोड़ देती है, वो कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरा पति ठीक नहीं हो जाएगा। वही चौथ माता प्रकट हो जाती है और वो पूरी व्याख्यान उसको बता देती है कि ऐसे ऐसे तेरे भाइयों ने नकली आग जलाई थी, चंद्रमा दिखाया था, इस वजह से मुझे क्रोध आ गया और इस वजह से ऐसा सब तेरा पति हुआ, तेरे खाने में बाल आया, ये सब मेरी ही लीला थी, चौथ माता बोलती है। तो कहती माता मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने बड़े भाव से आपका व्रत किया है। उसी दिन से वो व्रत पूरे भारतवर्ष में रखा जाने वाला रहा और वीरा वाली है जो उसने बड़े मन वचन क्रम से व्रत किया उसका पति उसी वक्त सही हो गया। जो महिलाएं मन वचन क्रम से यह व्रत करती है निराहार रह करके, चौथ माता उसके पति की आयु आरोग्य को बढ़ाती है और उसके उसके घर में धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो देवियों ये थी करवा चौथ की सूक्ष्म रूप से कथा, लेकिन कथा यही है जो महिलाएं मंदिरों में नहीं जा सकती, किसी वजह से नहीं जा सकती, कथा नहीं सुन सकती, तो वो इस वीडियो के जरिए इस चैनल के जरिए कथा को सुन सकती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति पा सकती हैं, चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं।